वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ छात्र संघ चौराहा। तो मैं सबसे पहले मैं आया हूँ रामजस राय आकरण दास। तो यो मेरे वीडियो देखने वाले कैसे हैं आप? देख रहे हैं आपका अपना अफजल नाहिद खान। तो दोस्तों ये व्लॉग होने वाला है गोरखपुर का। मैं जा रहा हूँ उसमें गोरखपुर। तो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ ट्रेन के अंदर और ये ट्रेन पूरा एक घंटा से भी ज़्यादा डेढ़ घंटा लेट यहाँ पे सिवान में आई और मैं अभी बैठ चुका हूँ यहाँ विंडो सीट पे। ठंड ज़्यादा है लेकिन फिर भी और अभी थोड़ा सा धूप निकल गया इसलिए थोड़ा कम ठंड लग रहा है। गोरखपुर जंक्शन नाम तो आपने सुना ही होगा। वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। 4 किलोमीटर के लगभग में पूरा एक प्लेटफॉर्म है। उसमें कि तीन प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म एक ही उसमें अंदर तीन ट्रेन खड़े हो जाती है। वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ छात्र संघ चौराहा वहाँ पे। और तो यहाँ पे मैंने लिया है ये कॉफ़ी। यहाँ का कॉफ़ी जो है ना मेरा बहुत ही फेवरेट है। मैं यहाँ जब भी आता हूँ बिना कॉफ़ी पिए सिवान तो जाता ही नहीं। बहुत मैं यहाँ पे आया हूँ ट्रेन लेने चश्मा का। ये वाला मुझे अच्छा लगा था, बस थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। तो ये वाला ये जो चश्मा है ये सबसे अच्छा लग रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूँ यही वाला ले लूँ। डिज़ाइन बहुत मस्त लग रहा है, कमेंट बताइएगा। तो भाई मैंने नया फ्रेम लिया है लेकिन शीशा बनने में कुछ। यार मुझे खुद पे हंसी आ रही है क्योंकि आप लोग सोचते हो कि यार ये अचानक से अपने घर कैसे पहुंच चुका गोरखपुर से। तो यार आप लोगों को बता दूं कि मैं उसी दिन मतलब तुरंत वापस आ गया था। आज मैं जा रहा हूँ लगभग 15-20 दिन बाद फिर से। तो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। फ्रेम लेने फिर से जा रहा हूँ। फ्रेम का डेट तो था तीन चार दिन में लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला तो फिर से जा रहा हूँ। चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं उसी जगह से उसी वक्त से। तो गाइस मैंने ले लिया अपना नया फ्रेम। तो गाइस मैंने फ्रेम ले लिया है और यही था वो हॉस्पिटल। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ कपड़े वगैरह लेने घंटा घर पे। वहाँ बहुत ही सस्ते सस्ते दुकान है तो मुझे ठंड के लिए कुछ ब्लेजर्स वगैरह स्वेटर लेना था। तो चलिए वहीं पे मिलते हैं आपसे। तो मैं सबसे पहले मैं आया हूँ रामजस राय आकरण दास का जो ये दुकान है बहुत ही ज़्यादा फेमस है घंटा घर का। तो यहाँ पे जो मतलब कोई भी सामान का रेट होता है फिक्स रेट होता है बट जो ये सब होलसेल नाम पे ही मिलता है। होलसेल मतलब यहाँ से अपने दुकान में ले जाते हैं लोग। वो जगह है ये घंटा घर के पास। तो गाइस आगे हमारा शुद्ध शाकाहारी खाना और यही है बोला ये स्थानीय होटल। यार मज़ा आ गया राजस्थानी खाना खाते हैं। पूरा यहाँ पर राजस्थानी खाना मिलता है और सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी खाना मिलता है। टेस्टी था, बहुत टेस्टी। तो गाइस मैं आ चुका हूँ गोरखपुर रेलवे स्टेशन और ये है शहीद एक्सप्रेस। अब मैं इसी ट्रेन को पकड़ने के लिए आया था सिवान जाने के लिए बट इस पर इतना ज़्यादा भीड़ आप लोग देख सकते हैं इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ और इंटरसिटी एक्सप्रेस से जाएंगे क्योंकि इसका टाइमिंग है 5:10 में। तो वो भी थोड़ी देर में अब आएगी। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, एकदम जनसेवा वाली भीड़ है। तो इसको इसलिए इसकी वजह से मैं इससे नहीं जा रहा हूँ। तो गाइस मेरे मोबाइल का बैटरी एकदम लो हो गया है मतलब कि एकदम लाल हो गया है। समझ गए कि 10% से बिलो है। शायद मैं आज की वीडियो नहीं ले पाऊँ। तो यार फाइनली मैं
नौजवान रेस्क्यू के स्टेशन अपने सिवान आ चुके हैं हम, और अभी बज रहे हैं 8:35। ठंड ज़्यादा है और ट्रेन में आधा घंटा लेट तो हो ही गई थी, और मेरा बैटरी का जो परसेंटेज है ना, 1% आ गया थी। हम लोग की लास्ट वीडियो क्लिप है अब जाके, और ये अपना सिवान रेलवे स्टेशन देख रहे हो, कितना जितने ज़्यादा भीड़ नहीं है, नॉर्मली इतना रहता ही है। अपना सिवान है भाई, भीड़ तो रहना चाहिए। Shivers down your spine, shrieking skulls will shock your soul and seal your doom.